तो भाइयों और उनके मोहल्ले की भाभियों, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस, बिग बॉस। हाँ वही, अरे छोड़ो ना यार। तो भैया ये बिग बॉस शो भाई मुनावर के नाम ही कर दो, क्योंकि सभी जगह उसी को दिखा रहे हैं, उसी की बातें हो रही, उसी की जिया बढ़ रही, उसी की ब्रेकअप हो रहा है, कभी एक्स आ रही है, कभी नेक्स्ट जा रही है, सब कुछ उसी के साथ ही हो रहा है भाई। तो उसी के नाम ही कर दो ना शो। तो बहुत से लोगों की डिमांड थी कि बिग बॉस के ऊपर वीडियो चाहिए, तो तुम्हारा भाई आ चुका है। लेट्स बिगिन टू एंटरटेनमेंट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे शक्ल नहीं दिखाना अपनी मुनव्वर, प्लीज। भाई ये सब कब हुआ यार? ये हुआ था क्या? कमेंट में बताना, हुआ था क्या? हाँ हो भी सकता है, बाकी उसने रोते हुए इतना बोला, सब कुछ इतना बोला, तो हो भी सकता है। बाकी अपने को क्या, उसकी लाइफ है, उसकी जीएफ है, या फिर होने वाली थी जो हुई नहीं, और बाकी मुझे क्या, तो उससे मेरा क्या फायदा? तो टॉर्चर हो रहा है कि मेरे साथ, मतलब मेरा मजाक बन रहा है, मेरा मजाक बन रहा है। भाई ऐसे कौन बात करता है यार, ऐसे तो वो चंद्रमुखी, चंद्रकला, हाँ मौंजुली का भाई, मौंजुली का ऐसे बात करती है। समझी? मेरे को गुस्सा आ रहा है ईशा, बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्सा आ रहा है तो बाथरूम में जाके मुंह ले, क्योंकि वहां पे थूक तो सकते नहीं। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? हसो या हस रे हल्का ढार। मत कर। हैं? हस रही है तू? मत बोल। शर्म आती तेरे को, हस रही है तू? भाई ये सब बिग बॉस में चल रहा है ना? ना वो मुझे लगा कि कोई मूवी वगैरह की शूटिंग चल रही है यार। क्या बात है, दिल जीत लिया छोरे ने सच्ची में भाई। लड़कियां वाव कर रही है पीछे करके, और जो लड़कियां ये शो देख रही होंगी वो सोच रही होंगी कि काश हमारे लिए भी कुछ ऐसा करता कोई। राजा जी, और लड़कियों के दिल से एक ही आवाज निकलेगी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भाई साहब बिग बॉस समझ से बाहर जाता जा रहा है यार। मुझे लगा था ये फैमिली शो है, पर यहाँ पर लड़ाई, गाली गलौज, प्यार, मोहब्बत, ब्रेकअप, सब कुछ यही हो रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कौन से ईयर में वो? 2016, 26th of February. साथ में रहते? हाँ, 7 साल पवित्र रिश्ता के 1 महीने बाद ही हम साथ रहे। I mean, yoga. He was from Bihar, right? Family was in Bihar? No, no, no. US में थी उसकी एक दीदी, एक दीदी चंडीगढ़ में है, पापा पटना में थे, और बाकी एक दिल्ली में है। Very, very well educated family. Highly intelligent people. और भाई सुशांत, अरे इतना दिमाग था ना मुन्ना उसमें, पापा था उन सारी चीजों का। एक उसका सर ऐसे चांद पे घर वर लिया, ऐसे जगह लेते ना आजकल, वो निकला उसने अपना खुद का एक वो बनाकर गया है वो, कि उसने भी लिया हुआ है। बट अगर वो होता ना अभी तो अब तक वो बहुत अच्छे। भाई सुशांत भाई के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, अगर अमेजिंग से भी कोई चीज ऊपर है ना तो वो बंदा था यार वो। और अपने एक्स के बारे में शादी के बाद इतना खुल के बात कर रही है। भाई अगर इतनी ही दिक्कत है तो बात करनी बंद कर दो, उससे रिश्ता ही खत्म कर दो ना यार। अपने मम्मी पापा को क्यों रुला रहे हो? और बोलने का तरीका देखना, एक्टिंग देखो भाई की। इतना दुख तो भाई तब नहीं होता जब किसी का 1000 का नोट गुम जाता है, पर वो तो बंद हो गया ना। मेरा जब मेरा गुस्सा निकलता है तो शी इज देयर टू टेक इट।
जब उसका गुस्सा निकलता है तो आई एम देयर टू टेक इट। इट्स बेटर कि किसी और पे उस तरह से ना निकले, अपने किसी अपने पर निकले। वो आई नो आप क्या बोल रहे हो कि किस तरह से वो दिख रहा होगा, बट ये आई थिंक हर एक कपल के बीच में होता होगा या नहीं भी होता होगा, आई डोंट नो। एटलीस्ट आई एम देयर फॉर हर टू रिमूव हर एंगर ताकि किसी और को वो डिसरिस्पेक्ट ना झेलना पड़े। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? तो भाई यही है वो कपल जो क्यूट बनके दिखाने की कोशिश करते और अब दिख भी रहा होगा। वाओ कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है ना, मैं तो पिघल गया भाई। ये देख लो आंसू भी आ गए। कितना प्यार से बोला था ना कि सर ऐसे ऐसे। भाई साहब ये आंखें बंद रखने वाले इंसान ने सबकी आंखें खोल दी। ओरा का गुस्सा भाई, अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ले किसी और के मैटर में टांग अड़ाओ भाई, तभी कहते हैं किसी और के मैटर में टांग नहीं करनी चाहिए। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा, इसको मारेगा, मारूंगा, इसको मारी दिखा, मुझे देख रहा है। थ्री लड़कियों के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए, इनकी जरा सी भी लग जाती है। सच में लग गई भाई, मेरे को लगता है। ये तो भाई धोखा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अभी इसी बार मोहल्ले से बेघर। भाई शुक्र है बिग बॉस वाले ने थोड़ा सा तो तरस खाया। भाई कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, ट्रॉफी नहीं मिली कोई बात नहीं, बाकी की इज्जत तो बच गई ना, बहुत है। हाँ हाँ लड़ाई लड़ाई में मुंह में घुस जा भाई उसके। भाई यहाँ पे कोरोना की वजह से लोग अभी तक मास्क लगा रहे हैं और ये इतना पास होके लड़ रहे हैं। और कितना पास जाओगे भाई, एक काम कर किस कर लो। ऐसे यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऐसे ऐसे कौन लड़ता भाई इतना करीब आके। ना तो मुझे लगता था कि ये रियलिटी शो है, बट मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि कुछ भी रियल। बिग बॉस वाले हम सबको मिलके बाबली बूझ बना रहे हैं। ओ हमको नहीं आपको, क्योंकि मैं तो देखता ही नहीं। कर जब लेट टास्क में जहां पर ये सब कुछ प्लान्ड था कि मेरे को निकालना, विनर फिक्स्ड है शो का, बट जो डिजर्विंग विनर होगा वो कहीं ना कहीं अभिषेक होना चाहिए। जब मैं 2 करोड़ रुपए देकर के अपनी डंकी की चोट पे खड़ा था ना उस दरवाजे पे, अगर आप उस दिन निकाल देते कि बिग बॉस ने मुझे एक हाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी शो के अंदर कि हमने आपके घर वालों को बुलाया था और आपके घर वालों ने आने से मना कर दिया था, मैं तेरे फ्यूचर में शादी करूंगा, वो आपको एक होप देता है और फिर नेशनल टेलीविजन में आकर के वो आपकी उस होप की धज्जियां उड़ा देते हैं। उन्होंने और उनके पति ने कोई रिश्ते नहीं निभाए कि भाड़ में गया शो, भाड़ में गई यू नो ये शो की फेम। बाबू भैया क्या बात है, अपने पत्ते शो कर दिए, मतलब सारी पोल पट्टी खोल दी यार, क्या बात है। देख लो जिनको लगता है कि बिग बॉस फैमिली शो है, देखो जरा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। बाकी सारे अपनी बातें कर रहे हैं, ये अपना अलग ही लगे पड़े, मेरे को समझ नहीं आ रहा बिग बॉस है या ओयो। अरे हवसियो रुक जाओ, मान जाओ, शर्म करो भगवान से। सभी लोग देख रहे हैं ये फैमिली शो है, अश्लील है ये लोंडा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय श्री राम।